सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 6 क्लास 3 एयर वाटर एंड वेदर। लर्निंग पॉइंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो दैट। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को जानने के लिए एबल होंगे। The importance of air, importance of water, the weather, properties of air, three states of water, what does air contains, the water cycle. So let's read about it. Like food, air and water are also basic need for all living beings. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी की जो बेसिक नीड है वो हवा, पानी और भोजन है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर। हम हवा और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, और जो एयर है वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब ये हमारे आसपास बह रही हो। एयर वाटर इज अ प्रीसियस लिक्विड ऑन द अर्थ, और हमारी पृथ्वी पर एयर वाटर बहुत ही कीमती तरल पदार्थ है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, और पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से कवर्ड हो चुका है, हो रखा है। लुक एट द पिक्चर्स, टेक राइट द पिक्चर दैट नीड एयर एंड वाटर टू ग्रो। अब इस पिक्चर को देखिए और उस पिक्चर्स पे आपको टिक लगाना है जिसे पानी और हवा की जरूरत होती है। जैसे कि पेड़ को भी पानी और हवा की आवश्यकता होती है, तो इस पे टिक कीजिए। बट जो टेबल एंड चेयर होती है इसे हवा और पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बट जो जानवर होते हैं उन दोनों को ही हवा और पानी की आवश्यकता है, तो इन पे भी हमें टिक करना है। एंड मोटर बाइक को ना ही हवा की आवश्यकता और ना ही पानी की आवश्यकता होती है। एयर ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट। हवा हमारे चारों ओर है बट हम इसे देख नहीं सकते। बट वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव और ब्लोज, और को सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब हवा चल रही हो। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। जेंटली मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज, और इसे ब्रीज भी कहते हैं। व्हाइल फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड द स्टॉर्म, और जब बहुत तेज गति में हवा चल रही होती है उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। इट मींस की आंधी। एयर मूव्स इन ऑल and takes the shape of the containers it fills. When we blow air into a balloon, the balloon gets filled with the air. और जो air होती है वो direction and shape दोनों को contain करती है। जैसे कि अगर आप एक container को देखेंगे तो उसके अंदर भी हवा भरी होती है, and जो balloon होता है उसके अंदर भी हवा fill हो जाती है। Now properties, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। जो एयर है वो बहुत सारी गैसों से मिलके बनी हुई है। द मेन गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और जो मेन गैस है वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, जो कि डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स को कंटेन करती है। कभी कभी देखा होगा रोशनी में हल्के हल्के से धूल के जो कण होते हैं वो नजर आते हैं, और कभी कभी आप वाटर वेपर भी देखेंगे। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं।
हम वाटर वेपर को किस तरीके से देख सकते हैं। परफॉर्म एन एक्टिविटी शो दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। तो चलिए एक एक्टिविटी के जरिए देखेंगे कि वाटर वेपर किस तरीके से होता है। टेक आउट अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड पुट इट ऑन द टेबल फॉर सम टाइम्स। आपको क्या करना है, एक फ्रिज में से बॉटल निकालनी है जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी, और उसे क्या करना है, आपने रख देना है अपने टेबल पे। सून यू विल सी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉटल। और कुछ समय बाद आप देखेंगे छोटे छोटे जो पानी की बूंद है ना, उस बॉटल के बाहर आपको नजर आएगी। दीज वाटर ड्रॉप्स आर द कंडेंस्ड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। और यही वाटर वेपर है जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं वाटर के। यूजेस ऑफ एयर। अब हवा के उपयोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, एयर प्रोवाइड्स द गैस दैट लीव थिंग्स नीड फॉर ब्रीदिंग। एंड जो एयर होती है लिविंग थिंग्स के लिए, सांस लेने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल्स एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जो जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट, एयर हैव बर्ड टू फ्लाई इन द स्काई। और जो हवा होती है पक्षी को आसमान में उड़ने के लिए हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स ग्लिटर्स एंड द फ्लाइंग काइट। और जो हवा होती है वो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स ग्लाइडर्स या फिर पतंग को उड़ने में भी जरूरी होती है। नेक्स्ट, विंड हेल्प्स टू मूव सेल्स बोट ऑन विंड मील्स। एंड जो सेल्स बोट्स होती है उन्हें भी विंड मील्स की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। एयर ऑल्सो ड्राइज आवर क्लोथ्स फास्टर। और एयर जो होती है वो हमारे कपड़ों को जल्दी से ड्राई भी करती है। कूल एयर मेक अस कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर। एंड जो कूल कपड़े होते हैं वो हमें समर में कंफर्टेबल बनाते हैं। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग फायर नीड्स द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू बर्न। एंड जो एयर होती है वो बर्निंग में हेल्प करती है। इसी के साथ जो फायर होती है, फायर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जलने के लिए। We need clean, fresh air. हमें सांस लेने के लिए साफ सुथरी और ताजी हवा चाहिए होती है। The air in our surrounding is made impure by harmful gases and dust. और जो हमारे आसपास की जो हवा होती है उसमें harmful impurities होती हैं, जैसे कि गैस और डस्ट के रूप में। Factories emit smoke. मोटर व्हीकल्स बर्न फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल एंड इमिट्स हार्मफुल गैसेस। और जो फैक्ट्रीज होती है उसमें से बहुत सारा गंदा धुआं निकलता है, और जितनी भी मोटर व्हीकल्स होती हैं उसमें से पेट्रोल डीजल और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। दिस कॉज पॉल्यूशन टू द एयर विच मेक इन्वायरमेंट अनसेफ टू लिव। और इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट होता है हमारे जीवन के लिए अनसेफ रहता है। When air becomes too dirty, it makes us sick with illness like cough, asthma and other disease. और जब हवा दूषित हो जाती है तो इसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, जैसे कि हमें सर्दी खांसी हो जाती है, अस्थमा या फिर अलग अलग बीमारियां भी हो जाती हैं। Next, water. All living things need water to survive. जितने भी living things हैं, उन्हें survive करने के लिए water की आवश्यकता होती है। We use water for various purposes like drinking, washing, cleaning, bathing, etc. जो पानी होता है हमें various purposes के लिए use करना होता है, जैसे कि drinking के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, फिर नहाने धोने के लिए। इसके अलावा भी पानी के और भी इस्तेमाल होते हैं। Water is present in all the three forms in nature as ice on mountains. और जो water है वो उसकी three forms होती हैं। First होते हैं
आइस के रूप में, जैसे कि आपको माउंटेन्स में देखने को मिलेगा, एज वाटर इन रिवर, ओशियंस लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन एयर। और जो रिवर होते हैं, ओशियंस होती हैं, इनमें भी आपको वाटर देखना मिलेगा और एयर में आप वाटर वेपर देख सकते हैं। तो ये थ्री फॉर्म्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड एज आइस। वाटर की थ्री फॉर्म्स होती है, फर्स्ट है सॉलिड जैसे कि आइस, आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सॉलिड होता है, कठोर होता है। लिक्विड एज वाटर, लिक्विड एज वाटर तरल पदार्थ के रूप में, गैस एज वाटर वेपर और गैस के रूप में, जल का वाष्प के रूप में। दीज फॉर्म्स कैन बी चेंज इंटू वन अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग, और इन सभी को एक दूसरे के साथ बदला जा सकता है गर्म या ठंडा करके। इफ वाटर इज हीटेड फॉर सम टाइम इट चेंज इनटू वाटर वेपर, और जब हम पानी को ज्यादा समय तक गर्म करेंगे तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। जो बॉइल करते हैं हम वाटर, जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो भाप बनकर उड़ने लगता है। द प्रोसेस ऑफ लॉस कन्वेंशंस ऑफ अ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड द बॉइलिंग, और यही फॉर्म होती है कि पानी जो होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन। बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस व्हाइल इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, और जो बॉइलिंग होता है उसमें बहुत ही जल्दी इवेपोरेशन होता है। प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन होता है वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर जो प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट प्रोसेस होता है। वाटर वेपर ऑन कूलिंग चेंज इनटू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, और जो वाटर वेपर होता है उसको हम कूलिंग पानी, जो ठंडा पानी होता है उसमें चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कि जल का संक्षेपण, होल्ड कूल स्टील प्लेट ओवर बॉइलिंग वाटर, वी कैन सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट। अब क्या करना है, आपको एक प्लेट लेनी है स्टील की और उसको उबलते हुए पानी के ऊपर आपने रखनी है, और आप देखेंगे कुछ देर बाद उस पर पानी की कुछ ड्रॉप्स आपको नजर आएगी। वाटर वेपर चेंज बैक टू वाटर देन इट टच द कूल प्लेट, और जब आप उस ठंडी प्लेट को छुएंगे जो वाटर का जो बॉइलिंग पानी है तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा। वाटर ऑन कूलिंग चेंज इनटू आइस क्यूब, और जब हम पानी को ठंडा करेंगे तो वो आइस क्यूब में चेंज हो जाएगा। दैट इज वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू सॉलिड, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में बन जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। व्हेन आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, और जब हम आइस को गर्म करेंगे तो ये एक लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये वाटर बॉइलिंग हो रहा है, ये काफी फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें से बहुत जल्दी जल्दी पानी वाष्प होता है, लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस चलता है। एंड फ्रीजिंग में जब हम पानी को ठंडा करके रख जमा देते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, और जब हम पानी को छोड़ देते हैं आइस को तो क्या होता है, वो गलने लगती है, तो ये मेल्ट हो जाती है, तो ये मेल्टिंग प्रोसेस होता है। द वाटर साइकिल, हाँ हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म कंटिन्यूसली थ्रू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और जो हमारा नेचर होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के जरिए। इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन द नेचर, वाटर इन सीज रिवर्स एंड लेक्स कंटिन्यू इवेपोरेट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, और जो इवेपोरेशन होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है नेचर के अकॉर्डिंग, जो पानी होता है सीज रिवर्स एंड लेक्स में, जो गर्म होता है सूरज की गर्मी के कारण, एज द वाटर वेपर राइज अप दे कूल एंड बिकम टिनी, और जब सूर्य का प्रकाश पानी पे पड़ता है तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो उसका वाटर वेपर्स होती हैं वो
कन्वर्ट हो जाती है क्लाउड्स में, और उससे क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो ये हमारा वाटर साइकिल है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दीज ड्रॉपलेट्स कलेक्ट अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इन एयर टू फॉर्म क्लाउड्स। और जब ये जो ड्रॉप्स होती है कलेक्ट हो जाती हैं तो वो क्लाउड्स बन जाती हैं, जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर में बताया था। द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन अ पूल इन अ क्लाउड कम टूगेदर एंड ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज वाटर ड्रॉप्स। और ये छोटी छोटी बूंदे इकट्ठी होकर एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप्स बनाती है। व्हेन क्लाउड्स बिकम फुल हैवी दीज ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन। और ये छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो जब इकट्ठी हो जाती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में तो क्या होती हैं, ये पृथ्वी पर वर्षा करती हैं। द रेन वाटर रन्स बैक इनटू द रिवर्स सीज ओशियंस एक्सेट्रा। और जो पानी इवेपोरेट हुआ था वो पानी फिर से रिवर्स सीज एंड ओशियंस में कलेक्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस goes on continuously and it is the called water cycle। और ये process continue चलता रहता है जिसे हम water cycle कहते हैं। Weather, weather is the condition of the air in environment of a particular place of time। एंड जो वेदर होता है वो एक कंडीशन होती है एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस में वो चेंज होता रहता है। द वेदर कीप्स चेंजिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। एंड जो हमारा वेदर होता है वो रोज डेली चेंज होता रहता है। एंड टॉक अबाउट द लाइक द वेदर रेफर टू द सन द विंड द क्लाउड्स एंड द रेन। और जो हमारा वेदर होता है वो सन विंड क्लाउड्स और रेन की वजह से चेंज होता है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया देयर आर थ्री मेन सीजन्स। जो इंडिया है यहाँ पर थ्री मेन सीजन्स हैं, दीज आर विंटर समर एंड मानसून, जैसे कि सर्दी गर्मी और बरसात। Even during one season, the weather changes from day to day and sometimes from hour to hour। और कभी कभी जो वेदर होता है दिन ब दिन बदलता है या फिर घंटे के बाद चेंज होता रहता है। The sun affects the weather। जो सूर्य होता है वो भी वेदर को अफेक्ट करता है। चलिए जानते हैं। During morning and evening the sun rays are slanting because sun is low in the sky। और जब सूर्य उग रहा होता है या अस्त हो रहा होता है तो जो उसकी किरणें वो तिरछी पड़ती हैं। इससे क्या होता है, at noon the sun is overhead and the rays fall straight। और जब दोपहर होती है जो सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती है सीधा हमारे सर पर पड़ती हैं। ड्यू टू दिस नून इज द hottest part of the day। और इस वजह से क्या होता है, जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे सिर पे पड़ती है इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और जब जो सन रेज होती है जब स्लैंटिंग होती है सुबह या शाम के टाइम तो क्या होता है, जो मौसम होता है वो कूल होता है। व्हेन पीपल गो आउट दे यूज द शेड ऑफ अ ट्री। और जब हम नून में बाहर जाते हैं तो हमें पेड़ की छाया का के लिए सहारा लेना पड़ता है। इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन। और जब सर्दियां होती हैं तो हमें सूर्य की किरणों में बैठना अच्छा लगता है क्योंकि जो सूरज होता है वो हमें गर्मी देता है। विंड अफेक्ट्स द वेदर। जो हवा होती है वो भी वेदर को अफेक्ट करती है। अ स्ट्रॉन्ग विंड कॉज स्ट्रॉन्ग। जो काफी स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो हाँ वो आंधी का रूप ले लेती है। स्ट्रॉन्ग विंड लाइटिंग थंडर एंड हैवी रेन ब्रिंग्स अ स्टॉर्म। और इसके साथ साथ जो होता है काफी रेनफॉल भी होती है और हवा काफी तेज रफ्तार में चलती है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म इज अ साइक्लोन। और जब बहुत तेज आंधी आती तो उसे हम साइक्लोन भी कहते हैं। अ साइक्लोन इज वायलेंट एंड अप्रूट्स द ट्रीज एंड गेट्स हाउसेस ब्रेक डाउन। और जब साइक्लोन आता है उसमें क्या होता है,
जो पेड़ होते हैं वो जड़ों से उखड़ जाते हैं और कभी कभी घर भी टूट जाते हैं। इट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, और इसकी वजह से बहुत भारी नुकसान भी होता है। क्लाउड्स अफेक्ट द वेदर, अब चलिए जानते हैं कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो वेदर को कैसे अफेक्ट करते हैं। ऑन क्लाउडी डेज द क्लाउड्स ब्लॉक द सनशाइन, जब क्लाउडी डेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, सनशाइन को ब्लॉक करते कर देते हैं। क्लाउड्स ऑल्सो शो साइन ऑफ अ स्टॉर्म, और जो बादल हैं वो भी एक स्टॉर्म का साइन देते हैं। क्लाउडी डेज आर नॉट वेरी हॉट बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, और जो क्लाउडी डेज होते हैं वो ठंडे तो नहीं होते लेकिन जो उनकी नाइट्स होती है काफी वार्मर होती हैं। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द डे द रेज कैन नॉट रीच अस एंड ड्यूरिंग द नाइट क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू स्केप इन टू द एटमोसफेयर, सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और क्या होता है जो क्लाउड होता है हमारे तक सन की रोशनी नहीं पहुंचने देता है, और इसी के साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो भी चेंज होता रहता है, और कुछ जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन भी करते हैं। रेन अफेक्ट्स द वेदर, अब हम पढ़ेंगे जो रेन होती है वो वेदर को किस तरीके से अफेक्ट करती है। वेन इट रेन्स द पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन विच द रेन फॉल्स बिकम्स कूल, और जहां पर बरसात होती है तो वहां का जो प्लेस होता है वो ठंडा हो जाता है। रेन इज गुड फॉर क्रॉप्स, और जो बरसात होती है वो फसलों के लिए काफी अच्छी होती है। हाउएवर टू मच रेन ब्रिंग्स फ्लड, और जब ज्यादा मात्रा में बारिश होती है तो वो बाढ़ का रूप ले लेती है। दे कॉज अ लॉट्स ऑफ डैमेज टू क्रॉप बिल्डिंग्स एंड रोड्स, और इसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान होता है जैसे कि फसलों में, बिल्डिंग्स में या फिर रोड्स में। तो ये आप देख सकते हैं फ्लड है। दे कैन कैरी अवे और ड्रॉन एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स। सिमिलरली लैक ऑफ रेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम रिजल्ट इन ड्रॉट, और कभी क्या होता है जब काफी लंबे समय तक जब बरसात नहीं होती उसकी वजह से ड्रॉट होता है, मतलब कि सूखा पड़ जाता है। ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टार्ट डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड इफ ड्रॉट लास्ट फॉर टू लॉन्ग, अगर ज्यादा लंबे समय तक सूखा पड़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मरने लगते हैं पानी और भोजन की वजह से। वाटर अफेक्ट आर लीव्स, जो वाटर होता है वो हमारी लीव्स को कैसे अफेक्ट करता है। व्हाट वी ईट वियर एंड एंजॉय डिपेंड ऑन द वेदर, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, ये सभी हमारे वेदर पे डिपेंड करता है। फॉगी एंड स्टॉमी वेदर कैन कॉज एक्सीडेंट, अगर फॉगी एंड स्टॉमी वेदर होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ट्रेवल स्पोर्ट्स एंड आउटगोइंग बिकम डिफिकल्ट इन सच वेदर, और ऐसे मौसम में बाहर ट्रेवल करना, खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट्स ऑफ व्यूज, वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट्स ब्लो, हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन हम एयर को महसूस कर सकते हैं। जेंटली मूविंग विंड इज कॉल्ड द ब्रीज, और चलती हुई हवा को हम ब्रीज कहते हैं। फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड द स्टॉर्म, जब बहुत ही तेज गति से हवा चलती है उसे हम स्टॉर्म कहते हैं, मीन्स आंधी। एयर प्रोवाइड द गैस दैट लिविंग थिंग्स नीड फॉर ब्रीथिंग, और जो एयर होती है वो गैस प्रोवाइड कराती है लिविंग थिंग्स के लिए जिससे वो ब्रीथ करते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज वाटर वेपर, और जो पानी होती है उसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड एज आइस मतलब कि सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैस फॉर्म्स, कठोर, तरल और गैसीय, तीन तरह की फॉर्म्स होती हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर इन द एनवायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ टाइम, और जो हमारा वेदर होता है एनवायरमेंट को टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है।